स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। और जब मैं स्ट्रेट लाइन का बात कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन क्लास 11 में 4 to 6 मार्क्स का आना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। पर स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉनिक सेक्शन में हम थोरोली स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। आप सर्कल्स करिए, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। साथ ही साथ में क्लास 12 में जब आप जाएंगे और आप डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस को करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन को, तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट आपके दोबारा यूज होंगे। तो स्ट्रेट लाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 11 जितना ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में थोरोली स्ट्रेट लाइन टाइम एंड अगेन यूज होगा। So we need straight line for class 12 and class 11 will know the base. Maximum 4 mark a question, 2 mark a short question या फिर 6 mark a long question straight line से आना चाहिए। Given कि आपके पास 16 chapters हैं final term में, तो हर chapter से 5-6 mark आप assume करिए कितने marks आएंगे हर chapter से। तो now let us start the concept of straight line। अगर मैं straight line पढ़ रहा हूँ तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म जानना पड़ेगा कि एक स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर आपका ए, बी और सी तीनों कांस्टेंट है, तीनों में कोई भी नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, अंडर रूट, जैसा अंडर रूट 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आपका ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो स्ट्रेट लाइन आप जब भी निकालोगे आपका आंसर इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। x होना चाहिए, y होना चाहिए, कांस्टेंट हो नहीं हो मैटर नहीं करता। अगर इस फॉर्मेट में आपका आंसर आ रहा है देन यू आर इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहलाता है स्लोप। यह इसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट। अगर आपको स्लोप या ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके लिए यूज करते हैं स्मॉल m। व्हाट इज अ स्लोप? स्लोप को हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। देखिए, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को काट रहा है। यहां से यहां तक जो एंगल जा रहा है ये कहलाता है थीटा। दिस इज नोन एज थीटा। थीटा मेजर्स द इंक्लिनेशन। रिपीट, व्हाट इज थीटा? Theta is the angle which measures the inclination, which measures the inclination। अब ये word inclination का मतलब क्या होता है? Inclination को हम बोल सकते हैं झुकाव। झुकाव यानी कितना मुड़ा हुआ है। With the line LL मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। तो ये जितना झुक रहा है विद द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज नोन एज स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट टैन थीटा। रिपीट, स्लोप होता क्या? अगर आप स्लोप सीखना चाहते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप को यूज करेंगे। स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज अ स्लोप? स्लोप मेजर करता है वो डिग्री, टैन डिग्री, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बेंट है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज नोन एज स्लोप। स्लोप यानी वो लाइन कितना झुका है विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस स्लोप को निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। वी हैव टू फॉर्मूलाज फॉर स्लोप। स्लोप, व्हाट इज स्लोप? इट इज नथिंग बट इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन में झुकाव, किसका झुकाव? ऑफ ए लाइन, किसके साथ? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पर याद रखिए यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ये कहलाता है नेगेटिव डायरेक्शन। क्लॉकवाइज इज नोन एज नेगेटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमारे एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टा चलवाइए,
Now, slope is the inclination that a line makes with respect to x-axis, and slope has two formulas. One is, when angle is given, m equals to tan theta. Tan ke kuch values aap le lijiye. Tan 0 is 0. Tan 30 degree is equal to 1 by root 3. Tan 45 degree is equal to 1. Tan 60 degree is equal to root 3. Tan 90 degree is equal to infinity, yani undefined. Ye sab use honge. अगर उसके बाद आपको फॉर्मूला निकालना है सपोज tan 120 का तो आप सॉल्व कर सकते हैं tan 180 minus 60 is equal to minus tan 60 degree is equal to minus root 3. ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं. अगर आपको निकालना है tan 150 का ये आएगा minus 1 by root 3. इस तरह से आप tan theta के वैल्यूज निकाल सकते हैं. फिर हम आते हैं सेकेंड साइड में. अगर हमें पॉइंट्स गिवन है, यहां जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था सपोज इसके ये कोऑर्डिनेट्स है x1 कमा y1 और इस लाइन के सेकंड कोऑर्डिनेट्स है x2 कमा y2, तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप का फार्मूला होता है m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. देयर आर टू फार्मूलास टू कैलकुलेट स्लोप. वन इज m is equal to tan theta एंड द अदर वन इज m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Using this two formula we can calculate the slope. So we use a simple numerical for calculation of slope. The question is, find the slope of a line which passes through 3, 2 and minus 1, 5. So we need to find the slope of a line which passes through 3, 2 and minus 1, 5. So this is our x1, this is our y1. Aap kisi ko bhi le sakte ho x1, y1, doesn't matter. This is our x2, this is our y2. The formula for slope m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, which results in 5 minus 2 by minus 1 minus 3 is equal to 3 by minus 4 or minus 3 by 4. This is your slope. तो आप स्लोप इस तरह से निकाल सकते हैं m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 5 minus 2 by minus 1 minus 3 is equal to 3 by minus 4 or minus 3 by 4. Now, एक हम एक पेपर बनाते हैं, इसका नाम हम लोग रखते हैं recap paper, ताकि हम लोग उसको रिवाइज कर सके, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में thoroughly. This is our recap paper. आज हम लोग सबसे पहले शुरू किए general form of a straight line से, general form of a straight line which is nothing but ax plus by plus c is equal to 0. Second topic में हमने पढ़ा what is a slope, और what is a slope में हमने पढ़ा it is the inclination of a line with respect to positive angle of x-axis. फिर topic 3 हमने पढ़ा formulas to calculate slope, और यहाँ पर हमें दो formulas मिले, m equals to tan theta first one and second one was y2 minus y1 by x2 minus x1. तो आज हमने तीन टॉपिक के कवर किए. अब हम चाहते हैं फोर्थ टॉपिक की तरफ कि आज का हमारे क्लास का फोर्थ टॉपिक क्या है. द फोर्थ टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है. सपोज ये है L1, L1,
ये है L2 L2, हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस थीटा। तो इस थीटा को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ चाहिए हमें इसके निकालने के लिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू कैलकुलेट द एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस। वी नीड द स्लोप ऑफ टू लाइंस, द स्लोप ऑफ टू लाइंस। सपोज पहला लाइन जो है L1, L1 का स्लोप मैं बोल रहा हूं है M1, और जो सेकेंड लाइन है L2, L2 उसका स्लोप है M2। स्लोप ऑफ L1, L1, स्लोप ऑफ L2, L2। तो स्लोप ऑफ L1, L1 है M1, स्लोप ऑफ L2, L2 है M2। तो हमारा फॉर्मूला आएगा tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 मॉड। व्हाट इज दिस मॉड? Mod is a specific formula, we'll read about it. But first the formula, tan theta is the angle between the two lines, and the angle will be equal to slope of the second line minus slope of the first line divided by 1 plus product of slope of two lines, that is M1 into M2. So now let us read about mod. We have put the formula in mod. Mod kya karta hai? मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता है, बट माइनस 5 अगर मैं लिखता हूं तो उसको 5 कर देगा, इट कन्वर्ट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मॉड एक फंक्शन है जो कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है। इसका मतलब जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे ये आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। नाउ लेट्स डू ए न्यूमरिकल ऑन एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इफ क्वेश्चन लिखिए, इफ कोऑर्डिनेट ए -2, 1, बी 2, 3 एंड सी -2, -4 आर थ्री पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन BA and BC। तो हमें एंगल निकालना है BA और BC के बीच में। सबसे पहले हमें BA निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। BA BC का हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। तो अगर आप चाहो तो सर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, वैसे इतना नेसेसिटी नहीं है। एक्स है -2, वाई है -4, ये इस साइड आएगा, ये हो गया पॉइंट आपका सी। बी में है, एक्स में है 2, वाई में है 3, ये पॉइंट आएगा, ये आपका है बी। ए में है एक्स का वैल्यू -2 एंड वाई का वैल्यू 1। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, हमें एंगल निकालना है BA एंड BC के बीच में, यानी हमें निकालना है ये वाला एंगल। वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल। अगर हम ये एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम पहले BA का स्लोप निकालेंगे और BC का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ BA, तो जब मैं BA देखूंगा तो B के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2, 3 और सी के, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं -2, 1। यहां लिखूंगा x1, y1, यहां लिखूंगा x2, y2। इंप्लाई स्लोप ऑफ BA इज इक्वल टू y2 - y1 बाई x2 - x1, विच रिजल्ट्स इन 1 - 3 बाई -2 - 2। माइनस है, x1 में 2 आ गया। इंप्लाइज -2 - -4 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ BA। तो वी हैव कैलकुलेटेड स्लोप ऑफ BA। रिपीट, स्लोप ऑफ BA निकालने के लिए हमने B के कोऑर्डिनेट्स लिखे, A के कोऑर्डिनेट्स लिखे, इनको लेबल कर दिया x1 y1, इनको लेबल कर दिया x2 y2। फॉर्मूला हमारा स्लोप का निकला हुआ है
M1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 1 minus 3 by minus 2 minus 2 is equal to minus 2 by 4 is equal to 1 by 2. This is the slope of PA. अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ BC. Now slope of BC. To calculate the slope of BC, we need a value of B. The value of B are 2 comma 3, and the coordinates of C. The coordinates of C are minus 2 comma minus 4. So slope of BC is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2. It results in y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to minus 7 by minus 4, or it results in 7 by 4. This is the slope of BC. हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लिया. अब हमें यूज करना है टैन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन, इसको एम टू ले लेते हैं, बाय वन प्लस एम वन इंटू एम टू मॉड. एम्प्लाइज टैन थीटा इज इक्वल टू सेवन बाय फोर, एम वन का वैल्यू हाफ आया था, डिवाइडेड बाई वन प्लस सेवन बाई फोर इंटू वन बाई टू मॉड इज इक्वल टू फोर सेवन माइनस टू बाई वन प्लस सेवन बाई एट मॉड इज इक्वल टू फाइव बाई फोर बाई फिफ्टीन बाई एट मॉड. सब पॉजिटिव मॉड हम हटा सकते हैं. फाइव बाई फोर इंटू फिफ्टीन into 8 is equal to 2 by 3. तो हमें मिलता है tan theta is equal to 2 by 3 और theta equals to tan inverse 2 by 3. जब मैंने tan inverse लिखा है, ये inverse trigonometry है, आप class 12 में पढ़ोगे. यहाँ theta है, ये tan है, यहाँ जाएगा तो 1 by tan होगा, 1 by tan को tan inverse हम लिख सकते हैं. तो आप answer इस form में निकाल के छोड़ोगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू बाई थ्री. दिस शुड बी योर सॉल्यूशन सेट. रिपीट करते हैं. क्वेश्चन हमें मिला था कि ए के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, बी के मिले हैं, सी के मिले हैं, ये थ्री पॉइंट्स हैं. हमें एंगल निकालना है बी ए और बी सी के बीच में. हमने स्लोप ऑफ बी ए निकाला यूजिंग द फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. हमने स्लोप ऑफ बी सी निकाला यूजिंग वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. और फिर टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी वी यूज द फॉर्मूला टैन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू विच रिजल्टेड इन सर्टेन वैल्यूज विच इज टैन इनवर्स टू बाई थ्री. दिस इज द सॉल्यूशन सेट. तो रिकैप पेपर में हम लिखते हैं टॉपिक नंबर फोर जो हमने पढ़ा है. टॉपिक नंबर फोर हमने पढ़ा है टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस. और इसके लिए आपका फॉर्मूला आता है टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू mod. This is the formula to calculate angle between two lines. After this, we move to the fifth topic, and the topic number five is very easy and important. It is at the same time easy and at the same time important. See the lines, that is the straight lines, can be parallel. Two straight lines can be parallel or perpendicular to each other. Can be, not necessarily, but they can be. हो सकता है कि दो lines जो हम निकाल रहे हैं वो एक दूसरे से parallel हो या perpendicular हो. अगर दो straight line parallel हैं, then their slopes are equal. Then their slopes are equal. यानी अगर पहला line का slope m1 है, दूसरा line का slope m2 है, then m1 is equal to m2.
If the slopes are equal, then two straight lines are parallel to each other. And if the product of slope, if the product of slope is equal to minus 1, that is m1 into m2 is equal to minus 1, we say that the two straight lines are perpendicular to each other, yani they make an angle 90 degree between them. तो अगर हमें ये निकालना है कि लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर, वी यूज टू सिंपल फार्मूलास. फॉर पैरेलल लाइंस द स्लोप शुड बी इक्वल, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी इक्वल टू माइनस वन. लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन दिस. लेट A 6,4 and B 2,12 be two given points. B two given points. Find the slope of a line. Find the slope of a line. Bit 1 perpendicular to AB, bit 2 parallel to AB. तो हमें A और B के values given हैं, A और B आपस में connect कर रहे हैं, A और B का सबसे पहले हम slope निकालेंगे. We need to find the slope of AB. The slope of AB will be y2 minus y1 by x2 minus x1. The value of A 6,4 that is nothing but x1, y1, and b that is 2,12 is nothing but x2, y2. So for slope we need y2 minus y1, that is 12 minus 4 by x2 minus x1, that is 2 minus 6. 8 by minus 4 is equal to minus 2. So we get the slope of AB as minus 2, and we need to find the slope of a line perpendicular to AB. This is our bit A. So slope of the line perpendicular to AB, suppose ये M2 है. क्या है ये? M2. और ये जो AB का slope है, ये M1 है. तो हम लिखेंगे M1 into M2 is equal to minus 1. M2. What is M2? Line perpendicular to AB. Line perpendicular to AB. Slope हो जाएगा minus 1 by m1 is equal to minus 1 by minus 2 is equal to 1 by 2. तो जो line perpendicular है AB के साथ, उसका slope है 1 by 2. And bit B, slope of the line parallel to AB, AB m2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर m1 is equal to m2 is equal to minus 2, क्योंकि m1 का value minus 2 है, यानि जो line parallel है AB के साथ, उसका slope minus 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? Minus 2. तो let's recap. हमने अभी एक और formula किया है, formula number 5, conditions to find whether straight lines are parallel. Condition है m1 is equal to m2, or perpendicular. Condition है m1 into m2 is equal to minus 1 to each other. Condition to find whether two straight lines are parallel, that is m1 is equal to m2, or perpendicular, that is m1 into m2 is equal to minus 1 to each other. ये हमने solve किया है synopsis 5 में, और इसके साथ आपका RD Sharma का पहला exercise खुल जाएगा. आप में से जो बच्चे हैं RD Sharma करना चाहते हैं और questions उसको solve करना चाहते हैं, you can use this one. Using all this formula you can go through all the questions in the exercise. तो सारे question कुछ इसी type के हैं, लगभग simple हैं, you can go through them. Now we'll start
our sixth formula, which is equation of a line, equation of a line parallel to x-axis and parallel to y-axis. The topic is, we need to find equation of lines which are parallel to x-axis and which are parallel to y-axis. The line which will be parallel to x-axis will be in this form, either in this way or the line will be in this way. Any line which is parallel to x-axis will be either in this form, means either it will lie above x-axis or it will lie below x-axis. If the distance is a, then we say y is equal to a and y is equal to minus a. Minus a if the parallel line lies below x-axis and is equal to a if the parallel line lies above x-axis. Agar ye parallel line x-axis ke upar hai, then equation will be y is equal to a. Yaad rakhiye, yahan x nahi likh raha hai, yahan equation hai y is equal to a. Aur agar is line ka hum baat kare to equation of y is equal to minus a. Equation of line parallel to y-axis. जो लाइन y एक्सिस से पैरेलल है उसका पैटर्न ऐसा आएगा, या तो ऐसा। अगर ये है b, तो यहां इक्वेशन हमारा आएगा x इज इक्वल टू b या फिर x इज इक्वल टू माइनस b. x इज इक्वल टू b इफ द पैरेलल लाइन इज ऑन right side of y axis, minus b tab if the parallel line is on the left side of y axis. Agar a parallel line left side of y axis pe hai to ye ho jayega x is equal to minus b. इसके साथ हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर. सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हिच इज parallel to x-axis and passes through the point -5. Find the equation of line which is parallel to x-axis and passes through the point 3, -5. जो भी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, एक काम करिए, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं. ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. लाइन पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस. इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -5. तो एक्स का वैल्यू क्या है 3, वाई का वैल्यू क्या है -5. यानी पॉइंट है यहां पर. अगर पॉइंट यहां पर है, क्योंकि ये पॉइंट आपका होगा 3, -5. x यहां पॉजिटिव है, y यहां नेगेटिव है. लाइन पैरेलल x एक्सिस है, यानी ऐसा तो होगा नहीं, लाइन ऐसा जाना चाहिए. कैसा जाना चाहिए? ऐसा. ये ऊपर है कि नीचे? नीचे. अगर नीचे होगा तो यहां से अगर डिस्टेंस क्या है, यहां से अगर डिस्टेंस आपका वही है जो y का डिस्टेंस है. किसका डिस्टेंस है? y. y का डिस्टेंस क्या है? -5. तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -5. पैरेलल टू x है तो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू -5. अगर ये ऊपर होता 3, -5 होता तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 5.
एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का सिमिलर लाइंस पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड passes through minus 4 comma 3. X का वैल्यू माइनस फोर यहां पर है, y का वैल्यू 3 यहां पर है, यानी यह पॉइंट यहां पर आएगा. यह पैरेलल है y एक्सिस के साथ, यानी लाइन ऐसा जाएगा. अब यह लाइन इस लाइन के लेफ्ट में है, तो यहां से आएगा जो डिस्टेंस होता है ये एक्स का डिस्टेंस होता है जो कि है माइनस फोर. तो इक्वेशन आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर. पैरेलल टू वाई है तो इक्वेशन होगा एक्स का, और एक्स का वैल्यू जो है यहां पर माइनस फोर. दिस विल बी द आंसर. तो इसका आंसर है एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर. इसके साथ हम लोग का अगला टॉपिक खत्म होता है. दिस वॉज आवर सिक्स्थ टॉपिक. द सिक्स्थ टॉपिक वॉज to find the equation of line which are parallel to x-axis or sorry which is parallel to y-axis. अगर parallel to x-axis का बात कर रहा हूं तो equation होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और पैरेलल टू y का बात करो तो क्वेश्चन होगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी. दिस आर द टू फॉर्म, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और x इक्वल्स टू प्लस माइनस बी. इसके साथ हम मूव करते हैं न्यू टॉपिक की तरफ या सेवन टॉपिक की तरफ. हमारा सेवन टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन. इसको करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इंटरसेप्ट क्या होता है. यह था आपका वाई एक्सिस, यह है आपका एक्स एक्सिस, यह आपका स्ट्रेट लाइन है एल एल. यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है. ऑरिजिन से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है आपका एक्स इंटरसेप्ट. दिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट. सपोज दिस इज ए, और ऑरिजिन से लेकर जो वाई एक्सिस यहां से कट रहा है, यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये कहलाता है आपका वाई इंटरसेप्ट. दिस इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट. और वाई इंटरसेप्ट को आप बी भी बोलते हैं और किसी किसी साइड में आप सी भी बोलते हैं. जैसे यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट में हम सिर्फ वाई इंटरसेप्ट को लेते हैं, उसका वैल्यू हम लेते हैं सी. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारा है उसका फॉर्मूला आता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. याद रखिए स्ट्रेट लाइन का हम फॉर्म का बात किए थे, इसमें वाई रहेगा एज इट इज, इसमें एक्स रहेगा एज इट इज, एम और सी के वैल्यूज आएंगे. व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट स्लोप. And what is C? C is nothing but y intercept. इसीलिए इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन. और इसका इक्वेशन है y is equal to mx plus c. इक्वेशन करते हैं इस पे. फाइंड द इक्वेशन of a straight line which cuts off an intercept of 5 units on negative direction of y-axis. Repeat, find the equation of a straight line which cuts off an intercept of 5 units on negative direction. This is important. Negative में कटेगा. ये intercept जो है y का ये positive है,
अगर ये नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा तो यहां कटेगा ये लाइन. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस. तो हमें इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट कट है 5 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, ये यहां से यहां एक एंगल ड्रॉ कर रहा है 120 डिग्री और यहां काट रहा है 5. एक्चुअली ये डायग्राम नहीं हुआ, 90 यहां आता है तो ये डायग्राम गलत है. डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा इसका, ये लाइन ऐसा है. अब ये 90 से ऊपर है, ये गया 120 डिग्री और ये जो इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट है -5. एक्चुअली इसका कोऑर्डिनेट्स है 0, -5 क्योंकि x का वैल्यू इस लाइन पे रहेगा 0. तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, ये डायग्राम नहीं आया क्योंकि ये है 90 डिग्री तो यहां पर ये जब पूरा 90 है तो ये 120 नहीं हो सकता, पर यहां पर ये 90 है, यहां से यहां 90 और यहां से यहां 30 तो ये क्या हो गया 120 डिग्री. तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना चाहिए स्ट्रेट लाइंस में. तो अगर हमारा क्वेश्चन ये है, हम प्रोसीड करते हैं. वाई इंटरसेप्ट हम लोग सी बोलते हैं, इसका वैल्यू गिवन है -5 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है तो सी का वैल्यू -5 हो गया. हमें निकालना है एम, एम का फॉर्मूला है स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू टैन थीटा क्योंकि यहां x1 y1 x2 y2 नहीं गिवन है, यहां थीटा गिवन है. देखिए कितना अच्छा से गिवन है, टैन थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन. हमने पहले बात किया था स्लोप को लेते हुए, स्लोप शुड बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 120 डिग्री और टैन 120 हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फॉर्मूलास, वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, टैन 180 डिग्री -60 डिग्री, 180 माइनस 60 इज 120, टैन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू -√3. तो नाउ लेट अस मूव टू द फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू -√3x -5 और y प्लस √3x+5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन. लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल ऑन दिस क्वेश्चन 2. एक और न्यूमेरिकल करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3, विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन वाई एक्सिस एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -2 एंड 1, 4. हमें इक्वेशन उस लाइन का निकालना है जिसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे 3 है, यानी c इज इक्वल टू 3 गिवन एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट. तो अगर ये से पैरेलल है तो स्लोप क्या है, इक्वल. तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. स्लोप ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2. y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -2 बाई 1, -3 इज इक्वल टू 6 बाई -2 इज इक्वल टू -3. तो स्लोप हमें मिला है -3 क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है तो स्लोप शुड बी इक्वल. तो इस लाइन का स्लोप भी -3 है,
यूज द फॉर्मूला, स्लोप मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया, यूज द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और थ्री एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. रिपीट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना था. इंटरसेप्ट दिया है y एक्सिस पे, यानी c दे दिया है 3. पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, अगर इससे पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल. तो हमने स्लोप निकाल लिया यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. स्लोप मिल गया हमें, इंटरसेप्ट मिल गया, वी सब्स्टिट्यूटेड इन द फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वी गॉट द रिक्वायर्ड आंसर.